नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजोन अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन। लगभग नौ टेस्ट है जो कि आप लेथ मशीन जब परचेस करने जाते हो तब आप उसको परफॉर्म करके बाद में फिर डिसीजन लेते हो कि वो मशीन परचेस करना है या नहीं करना है। जो इसका पहला इंट्रोडक्शन रहेगा या ये जो चैप्टर है मशीन टूल टेस्टिंग, इसमें क्या है कि दो टाइप के टेस्ट रहते हैं, एक अलाइनमेंट टेस्ट और एक परफॉर्मेंस टेस्ट। अलाइनमेंट टेस्ट में क्या होता है, मशीन आइडल रहती है तो परफॉर्मेंस टेस्ट में मशीन पे वर्कपीस लोड करके उसके ऊपर जॉब परफॉर्म करके फिर उसके डायमेंशन चेक करके देखते हैं कि मशीन कितने एक्यूरेटली आपका जॉब परफॉर्म करके दे रही, मतलब मैन्युफैक्चर्ड करके दे रही है। तो अभी ये जो देख रहे हैं ये दो टेस्ट देखना है इस वीडियो में। तो ये जो टेस्ट रहते हैं उसमें क्या क्या यूज़ होता है, मैंड्रिल यूज़ होता है आपका। मैंड्रिल मतलब क्या है, कम्प्लीटली सिलेंडर शाफ्ट रहेगा, सिलेंडर रहेगा कि जिसका पर्टिकुलर कुछ लेंथ रहता है, 1 मीटर 2 मीटर का लेंथ रहेगा। फिर उसके बाद स्टेट एज यूज होती है, फिर स्पिरिट लेवल यूज़ होता है और आपका डायल स्टैंड और डायल इंडिकेटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो आज दो टेस्ट देखने हैं इसमें। एक देखना है ट्रू रनिंग ऑफ लेथ मेन स्पिंडल एंड पैरलिज्म ऑफ सैडल मूवमेंट टू मेन स्पिंडल, ये दो टेस्ट देखने हैं। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है आपका, ये आपका लेथ मशीन का हेड स्टॉक है। ये वीडियो देखने से पहले आपको क्या, जो लेथ मशीन है उसके सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए कि हेड स्टॉक कहाँ रहता है, टेल स्टॉक कहाँ रहता है, सैडल कहाँ रहती है, ठीक है, मेन लीड स्क्रू कहाँ होता है। ये सारी चीज़ें पहले आप देख लो, फिर ये समझ में आएगा कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका हेड स्टॉक है और ये आपका स्पिंडल है जो आपके हेड स्टॉक में माउंट किया है। अभी क्या करना है, ट्रू रनिंग ऑफ लेथ मेन स्पिंडल। ट्रू रनिंग ऑफ लेथ मेन स्पिंडल मतलब क्या, अभी ये जो हेड स्टॉक है, ये हेड स्टॉक जो है किसी एक स्पिंडल पे, ये कंसिडर करो ये स्पिंडल है आपका हॉलो स्पिंडल और इसके ऊपर क्या होता है ऐसे, ये आपका हेड स्टॉक माउंट होता है। अगर आपका ये जो स्पिंडल है ये बराबर रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, कंसिडर करो ये है, तो इसको एक लाइन में रोटेट करना चाहिए। लेकिन अगर ये रोटेट करते टाइम क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, आपका हेड स्टॉक भी ऐसे ही रोटेट होगा उसके साथ। तो आपको क्या करना है कि आपका ये जो नीचे सैडल रहता है, सैडल के ऊपर क्या करना है, आपको आपका डायल स्टैंड रखना है। डायल स्टैंड रखने के बाद आपका ये जो डायल है, डायल क्या करो, आप आपका जो स्पिंडल रहेगा उस स्पिंडल को टच करो और फिर हेड स्टॉक को रोटेट करो। हेड स्टॉक को रोटेट करने का भी ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर में क्या होना चाहिए, मूवमेंट नहीं आना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रू रनिंग ऑफ लेथ मेन स्पिंडल। और फिर इसको आपको एक ही जगह पे रखना है, इसको ऐसे ऐसे इधर इधर मूव नहीं करना है आपको, पता चला। कंसिडर करो ये स्पिंडल है, इसके ऊपर मैंने ऐसे इसको पॉइंटर को रखा, फिर इसको ऐसे रोटेट करो। रोटेट करने के बाद ये कैसे रोटेट होता है उसके ऊपर आपका पॉइंटर का मूवमेंट आएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, पैरलिज्म ऑफ लेथ मेन स्पिंडल टू सैडल मूवमेंट। सैडल मतलब क्या, जहाँ पे आपका टूल पोस्ट माउंट होता है उसको सैडल कहते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सैडल है, फिर यहाँ पे हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक में आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो है, ये जो दिख रहा है ये आपका मैंड्रिल है। फिर मैंने आपका डायल स्टैंड का बेस आपके सैडल पे रखा, फिर डायल इंडिकेटर का जो नीचे का पॉइंट रहता है मैंने उसको क्या किया, मैंड्रिल को टच किया। फिर टच करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो सैडल रहती है यहाँ पे इसको ऐसे एक व्हील रहता है, ठीक है, व्हील रहता है और इसको एक यहाँ पे हैंडल रहता है, तो मैं हैंडल को क्या करूँगा ऐसे रोटेट करूँगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा। तो रोटेट करते टाइम क्या होगा, ये सैडल एक तो लेफ्ट हैंड जाएगा नहीं तो राइट हैंड जाएगा। जैसे ये लेफ्ट हैंड जाएगा तो आपका ये पॉइंटर भी है, आपका जो डायल इंडिकेटर है वो भी क्या होगा, ये डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। फिर वापस इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो ये क्या होगा, इधर आएगा, तो आपका डायल इंडिकेटर भी ये साइड आ जाएगा। इससे पता क्या चलता है आपको, कंसिडर करिए ये आपका मैंड्रिल है और इसके ऊपर मैंने पहले पॉइंटर यहाँ पे रखा था, फिर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये ऐसे टिल्टेड है या ऐसे टिल्टेड है। फिर ये एक साइड हो गई, फिर मुझको और क्या करना है, ये पॉइंटर क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लगाना है। इसकी वजह से क्या पता चलेगा मुझको कि ये साइड ऐसे झुका है कि ये साइड झुका है। तो ये दोनों प्लेन में क्या करना है आपको, टेस्ट परफॉर्म करना है। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपका ये जो हेड स्टॉक का एक्सिस और आपका जो सैडल है इसमें पैरलिज्म है क्या, मतलब पैरलिज्म मतलब क्या, आपको तो पता है कि ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस में अगर ये डिस्टेंस किसी भी जगह पे 90 डिग्री है तो इसको क्या कहते हैं, पैरलिज्म कहते हैं। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।